नमस्कार, यूके टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की के राजपुताना मोहल्ले में स्थित उत्तराखंड ज्योतिष कार्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास और कामधेनु संहिता पुस्तक का विमोचन आज उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा किया गया है। इस मौके पर गो भक्तों का सम्मान भी किया गया है। समारोह में पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गो सेवा आयोग का गठन करके वह गंगा के स्क्रैप चैनल को समाप्त करने जैसे बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ज्ञान परंपरा और संस्कृति का कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा, धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता ने कहा, गुरुकुल की स्थापना से रुड़की ही नहीं आसपास के क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा किए जा रहे कार्यों की तारीफ भी की। जिलाध्यक्ष भाजपा जयपाल सिंह चौहान ने कहा, संस्कृति से दूर जा रहे लोगों को संस्कृति से जोड़े जाने में ज्योतिष का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि कामधेनु पुस्तक भी लोगों को गो सेवा की ओर अग्रसर करेगी। आचार्य सेवाल जी जो कि दिशाचार्य उनका एक निजी कार्यक्रम है कि वो अपने पैसों में एक आचार्य कुलम और गुरुकुल यहाँ खोलना चाह रहे हैं। उसका आज पूजन और मैं अपने सरकार की ओर से अपने शुभकामनाएं देने आया हूँ कि उनका अच्छा काम कर रहे हैं दिशाचार्य। और मुझे आशा है कि अभी तक मुझे 40 ज्योतिष सम्मेलन और जिसके भी प्रधान विद्वान हैं और आचार्य कुलम अगर खोलना चाहते हैं कि बच्चों को संस्कारवान शिक्षा देना चाहते हैं, एक बड़ी बात है। देखिए, संस्कृत को हमारी सरकार ने द्वितीय राजभाषा घोषित की है और अब भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है भारत की, उसमें मातृभाषा में ही पढ़ाई एक बड़ा काम देश में हो रहा है। और मैं प्रधानमंत्री जी का भी, शिक्षा मंत्री जी का भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। देखिए, इस बारे में मैं अपने जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री उनसे बात करूँगा क्योंकि मेरे पास उच्च शिक्षा मंत्रालय है और बेसिक और माध्यमिक शिक्षा माननीय अरविंद पांडे जी ने कहा, अगर कोई ऐसी घटना होगी तो आप मुझे उसको लिखे जरूर। यहाँ पर गुरुकुलम की नींव रखी गई है, भूमि पूजन हुआ है जिसमें उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पधारे हैं। उत्तराखंड ज्योतिष परिषद का संकल्प है कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, वेद विज्ञान, धर्म शास्त्र को हम आगे युवा उनको पढ़ाएं, जिससे वो युवा भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा पर चलकर आगे लोक कल्याण कर सकते। कितनी जल्दी ये 6 महीने का समय है, 6 महीने में हम इसको जल्दी शुरू कर देंगे। उसके बाद निगम से और सरकार से बात चली है तो 4 बीघा जमीन पर हमारा खोलने का संकल्प है। बड़ा गुरुकुल है।